be honest, I've been in my bed. Reinforce my walls with all these hypotheticals. When it comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous. I don't wanna get hurt anymore. ये लोकल घर यहाँ का ओरिजिनल प्राचीन नेचुरल इस तरह के घरों में रहते थे लोग पहले। और ये खूबसूरती नेचर की, ऊपर हिमालय। अब धीरे 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 कंक्रीट जगह लेती जा रही है, पूरा हिमालय। नेचुरल जो मकान हैं वो सब जर्जर होते जा रहे हैं, और उसकी जगह ये कंक्रीट बनते जा रहा है मकान। ये देखिए पुराना घर, ये खुल गया और देखते हैं साहब अंदर से कैसा है। ये पशुओं का लग रहा है मुझे, ये पशुओं का है। और जिससे सामान रखा है उससे लग रहा है ये पशुओं का है। खुशबू है कि बदबू पता नहीं, पशुओं की आ रही है। जो पशुपालन करते हैं उनके लिए खुशबू है। जो एसी में बैठ के 60 रुपये दूध किलो खरीदते हैं उनके लिए बदबू हो सकती है। ये टोकरी है जिसमें ये सामान लाते हैं नीचे से पीठ पे ढोके। ओह, इसमें ये रखते हैं सब अपने जानवरों को। गुड। इसमें जानवर रहते हैं, मुझे लगता है जानवर बाहर घूमने गए हैं। और ये अच्छा ऊपर के लिए सीढ़ी है। ये है सब नेचुरल घर, ऊपर है हिमालय। ये है सेब एप्पल गार्डन, नीचे चलिए खेती। गुड, वेरी गुड। छोटे छोटे सेब लग भी रहे हैं, इस पर लग रहे हैं सेब, पर मेरे हाथ से दूर है इसीलिए सेब खट्टे हैं। गुड, ओके। ये क्या भरा हुआ है? बहुत तो नहीं है, पेड़ों की छाल लग रही है। ओहो, इसके ऊपर देखो सब छत बनी हुई है। वेरी गुड, बढ़िया मकान है भाई। आई लाइक इट, मुझे पसंद आया। थैंक यू वेरी मच। जिसका भी है भाई माफ़ करना, मैंने बिना कुछ खोल दिया। अब जा रहे हैं, ले बंद कर दिया। गुड, छत भी मस्त है इसकी तो। वाह, मज़ा आ गया ये मकान देख के तो यार। सुंदर, वेरी सुंदर। ये है पुराना मकान और ये है साहब नया मकान। आंटी, किला कितना ऊंचा है अभी? किला सांस फूल गई मेरी तो, दम भर गई, दम नहीं आना चाहिए ना। तो फिर अपना घर में रहना नहीं चाहिए, घर क्वार्टर में बैठ के क्यों किला नहीं देखेंगे? तब किला देगा तो तब आना ही पड़ता है, तब घर भी देखा ही है। ये इसमें कौन रहता है? इसमें पूरा हमारे आपका ही है मेरे। तो अभी ये बंद कर दिया पुराना वाला? का है ना, ये नया बनाया है।
ये लकड़ी का दरवाजा, वाह। ये किला है। ये मंदिर है, ये मंदिर है, किले का मंदिर है। बिना टोपी व गाची कमरबंद के मंदिर में प्रवेश मना है। जूते अंदर ले जाना मना है। रक्तस्राव महिलाएं मंदिर में प्रवेश न करें। अपने साथ तीनों में से एक भी झंझट नहीं करो। टोपी भी है अपने पास, कमरबंद भी है अपने पास, और वो तो होता ही नहीं है। गुड, चलते हैं। गेट तो खोल यार। चलो ये है ऊपर पुराना सांगला और उसकी खूबसूरती पीछे। सर्दियों में पूरा ही बर्फ से लद जाता है, लेकिन आज अब आगे देखोगे आप, यहाँ चारों तरफ कंक्रीट के मकान हैं। सब पुराने जो पत्थर के मकान थे, लकड़ियों के थे, वो सब कोई सब उनमें नहीं रहता। सब नए नए लोहा, कंक्रीट, सीमेंट, गिट्टी, पूरा सांगला बस कंक्रीट से भरा पड़ा है। आज से बड़े वाले डीजे है वो भाई दादा।